गुड मॉर्निंग, टाइम हो रहा है 9:45। हम सब लोग रेडी होके, मैंने इनको बोला यहाँ पे आओ, ये ऐसे खड़े खड़े स्कूल में नहीं खड़ते हैं। सर बोलते हैं सावधान विश्रम। मैंने इनको बोला आओ, ऐसे खड़े हो गए। हम लोग जा रहे हैं पटना, और जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हमने सब काम जल्दी जल्दी से फिनिश कर दिया। अब हम सब नहा के तैयार होके रेडी हो गए हैं। हमने खाया कुछ भी नहीं, खाली पेट है, बस चाय पी है। और आई एम गोइंग टू IIT पटना। IIT पटना नहीं जा रहे, IIT पटना से पटना जा रहे। जो IIT पटना है वो बीटा में है। तो हम लोग जा रहे हैं सिटी पटना। तो वहां पे अभी हम देखते हैं हम लोग क्या क्या करते हैं। मैं मेरी मदर इन लॉ को अच्छे से तैयार किया है, मैंने सिंदूर लगाया है। हाँ, लिपस्टिक लगाना भूल गया, देती हूँ कोई बात। और मैं बिंदी लिपस्टिक कहाँ पे रखी है मैंने अपनी, और मैंने नग वाली बिंदी लगाई, सूट भी हाँ, सब कुछ मैचिंग हो गया। व्हाइट व्हाइट ऑफ व्हाइट ऑफ व्हाइट, और बाल मेरा झाड़ू बन गया। कौन चंदी दी है? नहीं, डुप्लीकेट। मम्मी आप सुंदर लग रहे हो। स्टेटस सिंदूर नहीं लगाया ऐसे कभी? एक दो बार बस। आपकी मदर इन लॉ आपको बोलते नहीं थे? देख स्टेटस थी। मम्मी लगा रहे हैं बिंटा मामा जी का अपना व्हाट्सएप पे स्टेटस। ये मम्मी के भाई हैं जो कि मम्मी की तरह है। और ये मैं हूँ बुआ जी। मदर इन लॉ ने कुछ नहीं कहते, आगे आप भी कुछ नहीं कहते ना। मेरे ससुराल में ना मतलब सिर पे चुन्नी लेना भी जरूरी नहीं है ना मम्मी, रिवाज नहीं है ना। मतलब लेते थे लेकिन मम्मी के जो अच्छा आपके जेठ जी ने बोला कि उन्होंने बोला कि नहीं अब नहीं करना है, ऐसे रहो। मैं गई ससुराल तो मेरे को लगा भी सिर पे दुपट्टा लेना होगा मुझे। मैंने ऐसे दुपट्टा दो, मम्मी अरे क्यों लेके रखा है, ऐसे कुछ नहीं है। और मम्मी मुझे बोली थी बस एक बार का ध्यान रखना, यहाँ पे जीन्स वीन्स ना पहनना है ना, स्लीवलेस भी नहीं डालने देते थे मम्मी आप। नहीं हाँ आप बोलते थे आप बोल नहीं, तब वहां पे डालते 2015 की बात है। मेरे जो भाभी है ना वो बोलते कि हम तो पजामे भी नहीं डालते थे, अभी अभी शुरू हुआ है वाला से सिंपल सलवार सूट में। हाँ, तो मम्मी मेरे को बोले थे कि यहाँ पे खुला खुला जाना चाहिए, मेरे को भी मेरे को सूट में भी वो लगता है। खुले खुले हम लोग वेट कर रहे हैं हाउस हेल्पर जल्दी से पोछा लगाएं, क्योंकि हमारी जो भैया है तो वो जल्दी से आने वाले हैं। उन्होंने बोला 15 मिनट में। मम्मी ने मुझे बोला कि यहाँ पे ससुराल में ना पापा के सामने मत पहनना, कानपुर में जाके जो मर्जी पहना ना। मम्मी अब तो जमाना धीरे, अब नहीं कुछ भी कहते हैं। उस टाइम भी कुछ नहीं आया था, हमको खुद को ही लगता था कि नई नई शादी हुई है। मम्मी थोड़ा टाइम भी कुछ और, पर टाइम बिल्कुल बदल गया, मतलब 15 और अभी 24 में बहुत फर्क। कोई किसी को कुछ नहीं बोलता, जिसने जो पहनना है जो करना है वो करे। मतलब मैं अपने ससुराल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रैंडम। हाँ, अब हर कोई अपनी अपनी मर्जी से, मतलब अच्छी चीज है यार, मतलब जो जो पहनना चाहता है वो पहने, है ना। हम किसी को थोड़ी बोल सकते। अब मैं इन दोनों को बोलूँ आप दोनों साड़ियां लगा के चलो, वो चीज थोड़ी। तो मम्मी आपका फिर हमारा फिर विलेज है ना। मैं भी ना जब डिग्री में पढ़ती थी ना, मैंने उधर चंडीगढ़ में जीन्स पहनी है, मैंने घर पे आना ना अपने गाँव में, तो मैंने सूट पहन के आना। एक बार मैं जीन्स पहन के मम्मी को ऑफिस गई, ऐसी मम्मी को डांटे क्या। मम्मी हमारी बदल गई है, मैं पापा की बात नहीं कर रही कि मेरे ससुर है, मम्मी हमारी कम नहीं है, अब मम्मी बदली है। हाँ सकत तो होते हाँ, अब अम्बाला। अच्छा पापा अभी भी मम्मी अभी भी तो आपका ये शहर में ही है, आपके लिए भी मतलब वहाँ से कुछ भी लेने जा सकते हो, दवाई सब्जी। पर मुझे सूट बहुत प्यारा लग रहा है, कलर चूड़े बने मम्मी। हाँ मम्मी अभी बोले पापा मेरे को सूट सिला के लाए, मैं डरू कहीं लाल पीला ना हो। मम्मी को लाइट कलर अच्छा लगा, पर आपको व्हाइट तो पहन नहीं देंगे पापा ना। हाँ अगर आप सफेद सूट पहन के घर चले गए आफत आ जाएगी। सूट के साथ डार्क मेकअप अच्छा लगता है, लिपस्टिक रंग बुरा ही रंग अच्छा तो लग रहा है। लिपस्टिक नहीं लगाने मैंने, मतलब मुझे ये ठीक लग रहा है। मेरे को मन नहीं कर रहा कि मैं कुछ प्राइमर फाउंडेशन लगा के कुछ, बिकॉज अच्छी स्किन ऐसे रहे, बस स्किन ब्रीद करे, कोई बात नहीं होगा। थोड़े से चेहरे पे दाग धब्बे हैं, बट ठीक है, उम्र के साथ हो ही जाते हैं सबको। आके सूट ना सुंदर लग रहा है एकदम, बढ़िया सा प्लाजो स्टिच किया है।
एंड प्यारा लग रहा है मतलब येलो के साथ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट का। हम लोगों ने आज सारा काम फिनिश करके जाना है, ऐसा नहीं कुछ काम छोड़ के जाना है। कद्दू देखते हैं ना, कद्दू 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 नहीं, यहाँ पे कद्दू को क्या बोलते हैं, कोहरा कोहरा। देखो कहीं कद्दू मिले तब ले लेंगे हम बने। मुझे जब से हम पटना आए ना, मैंने एक बार भी कद्दू नहीं खाया। अब हमको बोलना है कोहरा दे दो, बहुत मतलब हेल्दी है, बहुत बढ़िया रोटी। मेरे को भी लग रहा है मम्मी को इतनी नींद आ रही है। मन है? कोई तो होगी भी यहाँ पे कद्दू मिलेगा। नहीं इधर से आप नहीं जा पाओगे, आप मेरे साथ आ जाओ, मेरे अंदर आप जाओ, हाँ देख लो जा सकते हो तो आ जाओ। ओके की बात नहीं, अगर आप जा, मैं जा सकती हूँ, मुझे चलना है, इनसे भी चला नहीं जाएगा मम्मी से, तो मैंने सोचा चलो इधर से चलते हैं। मिलो बोले वाह कितना सुंदर लग रहा है। जिस दिन आए थे उस दिन ज्यादा लग रहा था इनको एयरपोर्ट से IIT, अभी ठीक लग रहा है ना, ज्यादा लंबा नहीं लगा ना सफर। मुझे जाना है H&M, उसके बाद बाकी काम हम करेंगे, क्योंकि मुझे मम्मी बोल रहे हम लोग थोड़ा टहल लेते हैं। उनके टहल फल खिला दिए, थोड़ी सी रोस्टेड मूंगफली खिलाई, थोड़ी सी मतलब चने खिलाए और कोकोनट वाटर पिया इन लोगों ने। चलो चले H&M, देखते हैं क्या क्या नया आया है। ऐसा एक एक दोनों को पहन लोगे, पहन लो ये पेड़, हाँ अच्छा लगता है ऐसे ना। अच्छा घूम लो इधर को, आ जाओ नाइट वेयर देखते हैं कोई अच्छा सा मिल जाए तो अच्छे हैं। मेरे को पिलपिल लगते हैं, मेरे को कपड़े अच्छे लगते हैं ऐसे कंफर्टेबल, मतलब कपड़े अच्छे लगते हैं नाइट वेयर वाले। एस साइज का है हाँ, कितना क्यूट है ये, कितना क्यूट लग रहा है। मम्मी दोनों दोनों मम्मियों को एक सफेद वाला, ये निक्कर वाला पहन लोगे। थैंक यू। इन लोग का लग रहा है कि पता नहीं कैसे कपड़े हैं, पजामे ये तो जीन्स है, ये भी अच्छा लग रहा है पजामा ना, क्रॉसिंग नहीं ना है। अच्छा लगता है मम्मी, अच्छा लगता है, क्रॉसिंग चाहिए। मम्मी आपके ऊपर पता क्या अच्छा लगेगा, ये कॉलर वाले आप लोग बताना कैसे लगे। यू गाइज एंजॉय, ये कौन सा बोला आपने, ये नहीं पता क्या है, बाल बुल कौन यार होता है। मम्मी आप देख लो आप पहनने के लिए ना, देख तो ये इधर से लिए मैंने, कोई सा छोड़ आर्टिफिशियल ले लेंगे ना। रिंग है भैया, रिंग सही है, रिंग मम्मी कैसी लग रही है, कलर बोली ब्राउन ब्राउन सा काला देखे 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 ਦੇਨ ਬੈਗ ਲੈਣਾ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਝੋਲਾ ਹੈਗਾ ਦਦ ਲੈ ਵੀ ਘਰੀ ਆ ਮੈਂ ਲੈ ਦੋ ਸਟਾਲ ਹੈ ਰਿੰਗ
क्या हुआ क्या हुआ बोलो तो H&M से लेने होते हैं। मैं नाइट वियर लेकर इतना का नाइट वियर लेती है, तो ये लेना है वो लेना है, लॉन्च वियर मतलब कपड़े। लिफ्ट में नहीं लगता आपको डर? अब नहीं लगता ना मेरे को पहले जेंडर 70-50% ओ देखो ये कितना क्यूट है मम्मी। मेरी नहीं नजर गई इस पे, मम्मी की नजर गई। हाँ है ना मम्मी होते थे ना, पर इसमें वर्क वो नहीं होगा, मतलब बहुत छोटा है ना, मतलब एक लोग भी है तब भी लोग 3 लीटर तो लेते हैं। है मेरे पास ये वाला कुकर, कानपुर में लिया था मैंने। हाँ अच्छा होता है ये, देखे ना मम्मी। हाँ है अंदर रखा है ये, है मेरे पास 4 कटोरियाँ 4 गिलास 4 प्लेटें। हाँ ऐसे सेम ये सेम है मेरे पास मम्मी। थालियाँ 2 बड़ी है शायद 2 छोटी है, तो मुझे ये मुझे डिजाइन बहुत अच्छा लगा। गिलास में पीते तो हो चाय घर पे, मुझे गिलास बड़ा है मेरे को अच्छा लगता है। यही से तो लिया है मैं आपके साथ लिया था मैंने छोटी छोटी। और मम्मी मम्मी कह रहे मम्मी ये कह रहे ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सेम है सेम है देखो देखो सेम है, फिर इसको डालो भी। अरे नहीं सेम ग्लास है ना प्रिया का ना। मम्मी मेरा को पता मेरे रावतपुर गई थी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल गई थी रिजेंसी में। आप क्या लग रहा है? देख सकते सारा तो ले भी सकते हो आप, क्या लेना बोलो, लेके कैसे जाओगे? पर हाँ कुर्ता वगैरह सूट वगैरह चप्पल जूता पर्स। हाँ ये क्या है ना वो जिसके ऊपर स्पून वगैरह रख सकते हैं। मम्मी को बड़ा शौक है छोटी छोटी चीजें का। कौन शौक खत्म है? उनको खिंचवानी है यहाँ पे फोटो। कुछ स्माइल करो। यहाँ पे फोटो क्लिक करना है, मैंने यहाँ पे सबका फोटो क्लिक करा है जो भी यहाँ पे आया। अब ठीक है हो गया, अरे कोई पर्स ही ना ले जाए। हाँ ऐसे हाँ बोल। जोधपुरी मिक्स वेज और येलो दाल स्टीम राइस और चावल, तो चावल हो गए रोटी चावल रोटी लोग है प्लेन रोटी सिरके में शायद। ये ऐसी मिर्ची मैंने पहले नहीं देखी कहीं। सासू माँ मिर्ची खाओ कड़वे हो जाओ, इतना मीठा अच्छा नहीं लगता मम्मी। मम्मी आप इतने मीठे हो आपकी शुगर ही होगी सच्ची। सब लोग बोलते मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी। मम्मी ने आज तक किसी के साथ कभी लड़ाई नहीं की, इसलिए आज मम्मी को थोड़ी टीका खिलाना चाहते हैं। कोई छोड़ा नहीं है लड़ाई करते हैं। इनको आपका भी नहीं पता था, इनको आपका नहीं पता, आपको इनका नहीं पता। हर कोई लड़ाई करता ही थोड़ा बहुत तो है ना थोड़ी बहुत। हाँ पर जैसे जैसे हमारी उम्र हो जाती है लोग फिर समझ जाते हैं, फिर बहस नहीं करते ना। उम्र होती है लड़ाई की भी है ना। मैं भी मेरी आज तक लड़ाई इनसे ही हुई है, पति पत्नी की। तो हस्बैंड वाइफ की लाइन होती है होती है, मम्मी झूठ बोलती है कभी कभी। प्यार होता है इसका मतलब। अच्छा पापा आपको कानपुर छोड़ के इतना रोए ही जाते टाइम मम्मी के लिए भी पागली हुई है। बहुत रोए थे पापा मम्मी को छोड़ के, अब नहीं रोए थे। अब मम्मी बोल रहे हैं ना पागल है, पापा बोल रहे क्या बोल रहे। हाँ जब हम भी जाते हैं ना मम्मी कम रोते, मम्मी का दिल ना तो मजबूत है ज्यादा है ना पापा का। हाँ हमारी मम्मी तो अब आई तब बता रहे आंचल दीपक की मम्मी रोने लगी। अरे मम्मी अब चुप करा रहे थे इनको, मम्मी नहीं रोते ये वाले मम्मी। अब थोड़ा मम्मी का दिल हो गया है पहले, थोड़ा हो गया पहले। मेरी शादी में भी पप्पू को देख के भी आप रोए थे। विदाई होती ना टाइम में रहते ही होता है। ये बाहर का व्यू है आफ्रा का, बाहर बैठ सकते थे पर बारिश हो रही है। आप बोल रहे थे अंदर हल्का हल्का अंधेरा है तो बाहर बैठ सकते थे। मम्मी डर गए। सवाल दाल चावल क्यों फर्स्ट पे जी पे जाना है? तो ऑलरेडी क्रीम लगाया हुआ है ना। मम्मी का ना स्किन का इनका चेक कर ला। ठीक है
बारिश लग गई, इसमें हमारा सामान, इसमें हमारा खाना, इसमें हमारा स्किन केयर। इधर आओ, इतना कुछ नहीं जा रहा। अच्छा मम्मी, मेरे को लगा खेत और कुछ समझी, मैं क्या बोल नहीं, तो मरने के बाद तो जाना ही है सबने एक दिन। मैंने कहा मम्मी अपनी स्किन का ना ध्यान रखा करो, मम्मी कह रही ले वहाँ पे फूको नहीं है। मम्मी नहीं ध्यान रखते, आप भी नहीं रखते ना, क्यों? एक टाइम पे लैक्मे के नीचे सामान नहीं यूज करते थे ना, मेरी बड़ी दाद का सारा सामान। मम्मी कह रही मेरे पास ना तीन या चार चीजें होनी, पर वो अच्छी होनी कंपनी की। मैं आप गई थी अपनी मनियारी लाने, हां लैक्मे दे देना था, मैंने लैक्मे ने देना ना दी। उस टाइम पे महंगा था, बहुत मशहूर था ना, मशहूर था, हम तो काफी चल गए। मौसम तो आज बारिश वाला है, लेकिन मेरे को मन था कि जब आए हैं पटना में तो क्यों ना मैरीन ड्राइव होते हुए जाएं। इवन हम लोग लेट हो गए थे, पर हम लोग ना मम्मी बोल रही हाँ ठीक है यार, बारिश वाला मौसम है, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, चाय भी पियेंगे और मैरीन ड्राइव भी देखेंगे। उनको यहाँ पे आके सच्ची बताऊँ मतलब पटना बहुत अच्छा लगा। माथा टेका हमने, मॉल में घूमे, उसके बाद खाना खाया, फिर मैरीन ड्राइव आए, मतलब लिटरली आज का दिन ना बहुत अच्छे से हम लोगों ने स्पेंड करा है। जाते वे बीमार हो जाएंगे, मैं भी चली जाऊंगी। सिर पे लगे इतने जोर से। जो मम्मी आज थोड़ा सा नीचे को, इतनी दूर आए हुए। मम्मी हम सबको बोल रहे थे पटना में बहुत आए मैरीन ड्राइव के सामने। मम्मी पता ये वाले मम्मी बोल रही कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, हमने फटाफट एसी भी लगा लिया। दोनों मम्मी जब आए थे यहाँ पे अभी बोल रहे यार ये तो मौसम पूरा ही मतलब एकदम से बदल गया, कि बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, बहुत ठंडा हो गया ना। बारिश तो सवेर ही लगी, हाँ मैम ठीक है बारिश हो जाएगी तो चार पांच दिन और थोड़ी ठंडा ग्रीन, तो फिर उसके बाद तो एसी में रहेंगे ना, ये एकदम नेचुरल चीज है हम फील कर रहे हैं। बट हाँ ये कि बारिश में थोड़ा बीमार होने का डर है, बट ठीक है यार घूमने आए हैं तो थोड़ा सा इतना तो बनता है कि। और मम्मी आप इतना सोए, इतना सही, हम सब लोग लग गया हम लोग डर गए थे ना, मैं डर गई पहले तीन चार बार जपिया ने हमारे मुझे लगा वो कुछ हो गया, कुछ नहीं था। फिर मैं सोचू मैं हाय इतनी ट्रैफिक में फंसे कि बोलू भी क्या क्या बोलू कैसे होगा। भाई खरा कहते कुतर लगी वो बंदा भी डर गया था मम्मी देखा, हाँ देख रहा था वो कि हमारे पटना का मौसम। मम्मी कर रहा है ऐसे ऐसे, ओ हाई चाय ना कीजिए, उनसे करो मम्मी आपकी मम्मी आपके कुरकुरे सामने वाले ने पहन लिया स्वेटर, ठंड लग रही है, लेकिन आज का दिन हमारा बहुत अच्छा रहा। अभी मैं बना रही हूँ इन दोनों के लिए चाय, और ये जो मेथी दाना हमने सुबह खाया था थोड़ा सा बच गया, तो इसलिए मैंने सुना यहीं पे यहाँ पे नहीं कि दूसरी साइड रखती है, इसको थोड़ा ढक के ना मैंने ना सुबह इसका पानी फेंक दिया था, मैं बोले इसका पानी ना हमने पीना है, इसका पानी पीते फिर ये दाने क्या करने हैं। डाइनिंग टेबल पे रखती हूँ, मम्मी करता है वो टनक टनक की आवाज आती है उसमें, वो तब भी आवाज करता है ऐसे पूरी रात करेगा। मम्मी कुछ होगी मम्मी चीनी को देखे ठीक है, कम डाला है मैंने क्योंकि आप लोग बोले थे ना अच्छी सी स्वाद चाय बना, तो
मैंने स्वाद से बनाई वो वाला जो वाईफाई का है वो हमने बाहर रखा। बहुत अच्छे से कल हम गए थे तो ये मतलब जो व्लॉग है तो मैं उसको एडिट कर रही हूँ। मदर इन लॉ मेरी नहा रहे हैं, मम्मी मेरे आईब्रो करवा रहे हैं बाहर और मदर इन लॉ भी आईब्रो करवाएंगे। मैंने पार्लर वाली जो लड़की है उसको घर पे बुला लिया तो पेडिक्योर आईब्रो नेल पेंट वगैरह जो भी दोनों मम्मी को करवा दूँगी, हेयर मसाज या पेडिक्योर वो कुछ भी उनको करवाना है। तो मम्मी मेरे बोले पहले मैं करा लेती हूँ, मदर बोले तब तक मैं नहा लेती हूँ, फिर दोनों का हो जाएगा। और इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं तेरी एंड कर दिया। आपसे मिलते हुए न्यू ब्लॉग, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। मम्मियों को, दोनों मम्मियों को पटना शहर अच्छा लगा, ई कैंपस भी काफ़ी अच्छा लगा। कैंपस की सबसे अच्छी बात है कि हमारे हिमाचल की जैसे बहुत ग्रीन 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 है ना सब चीज़ें, मतलब वही है ना, लेकिन स्टेट का डिफरेंस हो जाता है ना, इंसान पक्षी की तरह होता है। मम्मियाँ बोलती हैं मुझे भी ऐसा लगता है यार कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, और हर चीज़ से ना मोहब्बत होनी शुरू हो जाती है। और कल का दिन ना इतना मस्त रहा। अभी हम लोग फिर से जाएंगे लेकिन अभी नहीं, होली के बाद, मतलब जब होली 25 की है ना, हाँ उसके बाद हम लोग जाएंगे। हमको इस्कॉन टेम्पल जाना है और हनुमान जी के मंदिर में माथा टेकना है। और फिर मैं इन लोग को, मेरे को था कि मैं गीतांजलि पार्लर है ना बोलते हैं यहाँ पे काफ़ी फेमस है, वहाँ पे लेके जाना, वहाँ पे लेके जाना है। और म्यूज़ियम भी जाने का मन था, जू जाने का भी मन था, बट एक दिन में सब चीज़ें नहीं होती है तो हमने सोचा कि अभी तो इधर ही हैं तो थोड़े दिन के बाद करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप पिंक कलर लगा लोगे नेल पेंट? कोई भी लगा दो, कोई भी कलर। अपर लिप्स क्या हुआ? मम्मी ने कराया अपर लिप्स बहुत ज्यादा है ना मैं नहीं करवाती, मेरे को बड़ी दर्द होती है।